रामनवमी जुलूस के दौरान सदर थाना के हिरही के पास पत्थरबाजी की घटना को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रशासन की चूक नहीं बल्कि ये शरारती तत्वों की बदमाशी कहा है। मंत्री ने कहा कि ये सेक्युलर की सरकार है, शरारती तत्वों की नहीं चलेगी, प्रशासन का चलेगा, सरकार की चलेगी, यहाँ किसी तरह की हरकत नहीं होने दी जाएगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रघुवर दास के लोहरदगा में आकर पीड़ित परिवार से मिलने पर कहा कि किसी भी राजनीतिक दल करो, इलाके में घूमने की छूट प्रशासन नहीं देती है। जिला प्रशासन के द्वारा सर्किट हाउस में खाना बना हुआ है, आप आइए यहाँ बैठ कर के समीक्षा कीजिए और जाइए, इलाके में घूमने की छूट प्रशासन नहीं देगी। लेकिन बहुत ज़्यादा घटना नहीं घट सकी पूरे जिला में, हो सकता है कुछ लोग बड़ी साजिश किए हो लेकिन उनका साजिश कामयाब नहीं हो सका है, ये मैं कहूँगा। प्रशासन चुस्ती के साथ काम कर रही है। मैंने डीजी से, चीफ सेक्रेटरी से, आला पुलिस के पदाधिकारियों से, होम सेक्रेटरी से बात की, मतलब पहले से मैंने बात की थी और सावधान किया था कि इस तरह घटना घट सकती है, सेंसिटिव जिला है और इसीलिए पहले से यहाँ फोर्स बैठा सैकड़ों की संख्या में फोर्स बाहर से भेजा गया था चुस्ती के लिए, और उसी की वजह से कोई घटना यहाँ पर, कोई बड़ी घटना नहीं घट सकी। ये हम सरकार की ओर से कहना चाहेंगे और जिला प्रशासन का भी हम तारीफ करेंगे कि लोगों ने कोशिश की माहौल खराब करने का, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिली। सर चूक कहाँ हुई ये जानकारी है, मैं खुद पुलिस में रहा हूँ, इस तरह का सिचुएशन फेस किया हूँ। किसी राजनीतिक को आकर के इलाके में घूमने की छूट प्रशासन नहीं देती है। मैं बता दूँ, आप पूछ रहे हैं तो इसी तरह का सिचुएशन डेवलप किया था हजारीबाग में, मैं SP था वहाँ, बिहार के एक मंत्री आए जहाज से, जाकर रिसीव किए हम और DC, लाए सर्किट हाउस में, कहा कि खाना बनवा देते हैं, खाना खाइए और वापस जाइए, आपको घूमने नहीं देंगे। सरकार उन्हीं की थी, सरकार उन्हीं की थी। सर्किट हाउस तक आइए, पूछ लीजिए, हालचाल ले लीजिए, क्या हुआ कैसे हुआ है, समीक्षा कर लीजिए, वो अधिकार आपका है, सरकार में है। तो मैं आया हूँ इसी हक से, आया हूँ कि सरकार में हूँ, सर्किट हाउस में रहूँगा, कहीं घूमूंगा नहीं। मैं जानता हूँ कि ये घूमना अभी खतरनाक है ना, दुश्मन भी पैदा करेगा, भ्रम पैदा करेगा लोगों को भी, नहीं घूमना चाहिए उनको, मैं सलाह दूंगा। हमें सर्किट हाउस में रहें, चाय पिए, खाना बनवा के खाएँ, पदाधिकारियों से पूछताछ करें, समीक्षा के बाद जानकारी दे रहे कैसे कैसे हुआ क्या हुआ। सर लोहरदगा की घटना भी चला यहाँ भी होगी और छोटे भी होंगे। मैंने कहा ना कि देश में ही लगे हुए कुछ लोग, आपने न्यूज में सुना होगा गुजरात में उपद्रव हुए, बिहार के औरंगाबाद में हुआ, यहाँ झारखंड में भी, बोकारो में, कुटी में, लोहरदगा में लोगों ने प्रयास किया, यानी ये पूरे पूरे देश में, यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ। ये एक माहौल बना रहे हैं उपद्रवी तत्व, है ना, जो ये माहौल देश का है, एक सेकुलर देश है ये, सब एक दूसरे का धर्म का हम कदर करते हैं, जहाँ पर सम्मान देते हैं वहाँ पर धर्म के आधार पर कुछ उपद्रवी तत्व हैं, वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। सर इसमें माहौल बिगाड़ने की जहाँ तक बात है, प्रशासन ने कहा ना शुरू में कि जैसे होता है कि पारंपरिक रोड नहीं रहता, रास्ता नहीं रहता, उसमें लाइसेंस मिल जाता, इसको चूक मानते हैं, लेकिन पारंपरिक रास्ता है वो और उसी रास्ते से जा रहे हैं। पुलिस बल भी साथ में था, पुलिस बल भी साथ में था, ऐसा नहीं कि पुलिस बल नहीं था, पुलिस बल भी था, एक तरह की पार्टी उनके साथ थी, इसको कर रहे थे, तो एक चूक इसको नहीं है, लेकिन शरारती तत्व तो आप देखते होंगे कि शरारत करने वाले तो भीड़ में भी चौकसी बरती तो पर भी एक आध पत्थर फेंक देते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, अलग चीज़ें फेंक देते हैं, तो चूक नहीं कहेंगे इसको हम, ये शरारती तत्वों की बदमाशी कहेंगे इसको। तो शरारती तत्व इस इलाके में रहे, होना है, निश्चित रूप से हैं, तभी तो इस तरह की है।
उनकी तरफ से ही किया गया, लेकिन उनको जानना चाहिए कि वर्तमान में सरकार है ये सेकुलर सरकार चला रही है, हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, हर को बराबर मानते हैं, हर को बराबर कहते हैं, हर धर्मों को बराबर स्थान देती है सरकार, सेकुलर सरकार है ये। तो शरारती तत्व भी समझे इस बात को कि उनकी नहीं चलेगी, प्रशासन का चलेगा, सरकार की चलेगी, यहाँ किसी तरह की हरकत नहीं होने दिया जाएगा। सर, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।